धीरे धीरे जो है स्नोफॉल की इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखो आप, और स्नोफॉल बहुत तेज हो गया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है शिमला। दोस्तों आज का मौसम तो बहुत ही खराब है, पूरी रात से बारिश हो रही है और किसी भी टाइम बर्फ लग सकती है, और ठंड बहुत हो गई है। देख तो मैं पैक हूँ इस टाइम बिल्कुल। गाइस बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो स्नोफॉल शिमला शहर में शुरू हो गया है, और अभी तो हम डाउन में है थोड़ा, अभी हम जाएंगे माल रोड रिज, वहाँ पे अलग ही नज़ारे होंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो यार फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जो है स्नोफॉल की इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखो आप, पहले कितनी कम पड़ रही थी, अब कितनी तेज हो गई है, और अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अभी तो और तेज होगी। आज पूरा दिन पड़ने वाली है बर्फ, मेरे को लग रहा है रात तक, और पूरा दिन हम बाहर रहने वाले हैं घर से। आपको नज़ारे दिखाऊंगा मैं सारे। तो गाइस पिछले कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बसेस वगैरह सब चल रही हैं क्योंकि उतना मेजर स्नोफॉल नहीं हुआ था, पर आज अभी मैंने पता किया तो अपर शिमला की बसेस बंद हो गई है चलना, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रहा है शिमला और शिमला के हायर रीचेस में, जो भी हिमाचल के हायर रीचेस है। ये चंडीगढ़ दिल्ली की बसें जा रही हैं, बाकी अपर शिमला की कोई बसेस जाती हुई नहीं दिख रही। ये देखो गाइस बर्फ जमनी शुरू हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखो और फिसलन इतनी बढ़ गई है ना, क्योंकि भी थोड़ा कीचड़ वगैरह है, थोड़ी बर्फ और जम जाएगी तो चलने में आसानी होगी, क्योंकि जो सॉफ्ट बर्फ होती है उसमें चलना आसान होता है। नज़ारा आप देख सकते हो, हमें पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि बस आधे घंटे से बस ही नहीं आ रही थी। मेरे को लग रहा है बर्फ़ की वजह से फिसलन हो गई है रोड पे, और रोड बस स्टैंड की बसें भी नहीं जा रही है, और स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गया है। ओहो गाइस मैं आपको बोल रहा था ना कि स्नो की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अभी, जो पहले दिखा रहा था मैं और जो अब पड़ रही है उसमें फर्क देखो। और बर्फ जमनी शुरू हो गई है अब, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, और अभी तो हम माल रोड नहीं पहुंचे, वहाँ का तो नज़ारा ही अलग होगा इस टाइम एकदम। ये देखो कितनी बर्फ जम गई है, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ होगा मेरे ख्याल से, 40 मिनट रख लो। दिल खुश हो गया कसम से, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो फिसलने का डर है इस रास्ते में, सीढ़ियों में तो फिर भी चल पा रहा था मैं। गाड़ी के नीचे दिया।
पैर को ना टेढ़ा रखो, ऐसे करके चलो तब नहीं गिरोगे। गाइस आज पूरा दिन वीडियो बनेगी, मोबाइल की बैटरी साथ दे बस, दे देती है वैसे तो। बैटरी बैकअप चेक करके लिया था मैंने मोबाइल स्पेशली, क्योंकि मैं लंबे टूर्स में जाता रहता हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा था ना, इस बर्फ में इसमें नहीं फिसलते पैर, ये सॉफ्ट है, जहाँ पे पानी वगैरह हो वहाँ पे पैर फिसल जाता है। आप मानोगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर आया मैं, और यहाँ पे कितनी बर्फ जम चुकी है आप देखो एक बार। अभी मैं गिरता गिरता भी बचाऊं, पर चलो चलेगा, सब चलेगा आज तो। अभी मेन एनएच आएगा तो मेन एनएच की हाल भी आपको दिख जाएंगे। अब बहुत तेज बर्फ पड़ रही है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अब मेरे को ये डिसाइड करना है यार कि मैं रेलवे स्टेशन से होके जाऊँ माल रोड को, या फिर ऊपर से होके सिसिल वाली साइड से जहाँ पे ओबेरॉय सिसिल होटल है, जो मैंने पिछले साल की बर्फ़ की वीडियोस डाली थी उनमें मैं रेलवे स्टेशन से गया था। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार ऊपर से लेके चलते हैं आपको, और पिछली बर्फ़ वाली वीडियोस देखना ना भूलना। तो हम चलते हैं ऊपर से, और गाड़ी फिसलनी शुरू हो गई है रोड पे, अब काफ़ी बर्फ़ जम गया है, और थोड़ी देर के बाद गाड़ियों का चलना पॉसिबल नहीं होगा आई एम श्योर। हम चलते हैं ऊपर से अपना आराम से। और अब गाड़ियां भी रुक रुक के चल रही हैं, बिल्कुल थोड़ी देर बाद तो चलेंगी नहीं। ये देखिए बस नीचे, सब लोग बहुत खुश हैं बर्फ को देख के। एक साल का इंतज़ार, एक या दो साल का इंतज़ार, पिछले साल पड़ी नहीं थी बर्फ। हेलो, मज़ा आ गया। पूरा दिन अगर ऐसी ही बर्फ पड़ी तो आप मान के चलो कि काफ़ी मैसिव स्नोफॉल बोला जाएगा इसको। और बर्फ़ जमने भी वाली है ये, क्योंकि दो दिन से बारिश हुई है पहले। बारिश होने के बाद जब बर्फ़ पड़ती है तो वो जमती है, डायरेक्ट पड़े बर्फ़ तो नहीं जमती। ये सॉफ्ट बर्फ़ है, इसमें कोई फिसलन कुछ नहीं होता। ये हम पहुंच गए हैं चौड़ा मैदान, ये है सिसिल ओबेरॉय होटल। ये है कोटशेरा कॉलेज का रास्ता,
इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है मैंने। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है शिमला। अभी थोड़ी रुकी थी बर्फ, अब फिर से शुरू हो गई है। अभी हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, फिलहाल अभी रुकी हुई है बर्फ, थोड़ा ब्रेक लिया है। अब शिमला में जगह जगह ऐसे बर्फ के ढेर देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई को कैसे जा रहे हैं। कभी भी गिर सकते हैं। तो यार फिर से एकदम काले बादल आ गए हैं और अब किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है स्नोफॉल। बहुत तेज हवा चल रही है ठंडी। शिमला में अभी तक सिर्फ एक स्कूल खुला है, उसका नाम है केंद्रीय विद्यालय, जो कि जाखू में पढ़ता है और मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। सबसे पहले खुलते हैं हमारे स्कूल इतनी ठंड में, और स्कूल खुलते ही मौसम खराब होता है। ये देखो बच्चे आ रहे हैं, खैर बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो गाड़ियों के टायर में चेनें बांधी जाती है ताकि टायर स्लिप ना करे। बर्फ में बहुत काम करता है ये जुगाड़। तो माल रोड एंटर हो गए हम। कैंडल पॉइंट शिमला। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। और मौसम अभी बना हुआ है। चलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ की बर्फ सख्त हो गई है, क्योंकि यहाँ लोग भी चल रहे हैं ना। ये शिमला हेरिटेज बिल्डिंग टाउन हॉल, ब्यूटी। और ये देखो ऊपर जाखू वाली पहाड़ी। अभी हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे, फॉग है थोड़ी। जो लोग शिमला से बिलोंग करते हैं और शिमला में नहीं है वो बहुत मिस करते हैं इन मोमेंट्स को। लगाई गई लगाई देगा।
ये देखिए चेन लगाई हुई है इन्होंने टायर्स में, पिछले टायर है जो। मैं इस टाइम बिल्कुल पैक हुआ, अगर आपको दिखाऊं तो। और ये मास्क में बर्फ सी जम गई है, ठंडी इतनी है, टेम्परेचर डाउन हो गया ना बहुत। जाखू टेंपल का रास्ता, ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्फ होगी टेंपल के रास्ते में, क्योंकि एक तो चढ़ाई भी बिल्कुल स्टीप है, तो चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होगा ऊपर। और मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, मौसम इस टाइम बिल्कुल बन गया है फिर से, तो गाइस फिर से शुरू हो गया स्नोफॉल और तूफान सा आ रहा है, ये देखो, और अंधेरा सा भी हो गया, बिल्कुल काला मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है कि अब फिर से जो है हैवी स्नोफॉल का जो स्पेल है वो आने वाला है। और ये देखिए, बिजली भी चमक रही है, गाइस क्या मौसम बना हुआ है। शेयर जरूर कर देना वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा दिन पड़ने के चांस है बर्फ़ का, और वही है हो रहा, रात तक है, और फिर कल मौसम शायद ठीक होगा, और उसके बाद फिर से दो दिन मौसम ख़राब है, तो फिर से बर्फ़ के चांस है उस टाइम। एक साल की कसर निकालेगा मौसम, और जेसीबी आ गई है अपना काम करने, योगी जी ने भेज दिया जेसीबी। पूरे शिमला बाजार में जो दुकानदार है वो आग जला के हैं, ठंड बहुत हो गई है।